अच्छा दुनिया का चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में कोई ना कोई ऐसा नायक होता है, कोई ना कोई ऐसा लीडर होता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने फील्ड का बापू बनना चाहता है। अगर आप भी बनना चाहते हो अपने फील्ड के बापू, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको देंगे खटाखट 3 गोल्डन टिप्स जो आपके वो आपको बनाएगी अपने फील्ड का बापू। अगर आप भी बनना चाहते हो अपने फील्ड के बापू, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। साथियों, पहली स्ट्रैटेजी कि आपको अपनी जिंदगी में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हर पल कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी टाइम हर तरीके से आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज होना चाहिए, वो है सीखना। हर पल, हर टाइम, हर तरीके से आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलना चाहिए, वो है सीखना। एक ही चीज चलना चाहिए कि आपको ऑब्जर्वेशन लेना है, हर चीज से ऑब्जर्वेशन लेना है। और सीखना, मैं नॉर्मल सीखने की बात नहीं कर रहा हूं, सीखने का मतलब होता है दिल से, दिमाग से, डायरी से। इन तीनों चीजों को आपको सीखने में इन्वॉल्व करना होगा। जब आप सीखने के लिए इस पूरी दुनिया में निकलेंगे तो वहां आपको तीन चीज, दो प्रकार के लोग दिखेंगे, दो प्रकार की चीजें दिखेंगी। पहली चीजें होंगी जो गलत होंगी, दूसरी चीजें होंगी जो सही होंगी। गलत चीजों से मुझे ये चीज सीखना है, इसको मुझे अपने बिजनेस में, अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने रोटेशन में, अपनी लाइफ में, कभी भी अपने फ्यूचर में इसको नहीं लाने देना है। दूसरी चीजें मुझे ये सीखना है, जो चीजें अच्छी है, तो चीजें हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, उसको हमेशा अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने फ्यूचर में, अपने आने वाली पीढ़ी में हमें इसको इन्वॉल्व करना है। दिल में, दिमाग में, डायरी में हमेशा नोट करना है, इसको हमें सही तरीके से ऑब्जर्वेशन लेना है। दूसरी चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है, खुद ही आपको बेस्ट मास्टर कॉपी बनना पड़ेगा। आप जैसे मास्टर कॉपी होंगे वैसे ही आपकी डुप्लीकेशन मास्टर कॉपी तैयार होने वाली है। अब मास्टर कॉपी की अगर हम बात करेंगे, जो भी जितनी भी बेस्ट क्वालिटी है, वो सारी चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी। सबसे पहले तो सबसे पहले आप बेस्ट मास्टर कॉपी बनिए, चाहे वो फैमिली के और चाहे वो गांव के, देश के, अपने फील्ड के, कहीं भी आप किसी भी जगह पे अपनी छाप छोड़ना चाहते हो तो पहले बेस्ट मास्टर कॉपी बनो। इसके बाद में वैसे ही आप डुप्लीकेशन जो है तैयार करते चले जाओ, अपने जैसे लीडर खड़े करते चले जाओ, ताकि आप उस बिजनेस में ना रहो, उस धंधे में ना रहो, आप चले भी जाओ महीने दो महीने के लिए, साल सालों साल तक अपने उस धंधे में ना जाओ, अपने उस फील्ड में ना जाओ, तो भी आपका काम चलता रहे। आपके न रहने के बाद में ऐसा आपके कस्टमर को, आप सामने वाले लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि आप वहां ना, या आपकी कमी वहां महसूस हो रही है। ऐसा आपको इस तरीके से अपनी जो है डुप्लीकेशन तैयार करना है, ऐसे आपको डुप्लीकेट लीडर तैयार करना है, जो आपके जैसा सोचे, जो आपके जैसा जो है लीडरशिप संभाले, जो आपके जैसा जो है रिस्पांसिबिलिटी को हैंडल करे। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है आपको कभी भी रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। आपको जब भी फोकस करना है अपने काम पे फोकस करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है, अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है, आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। जब अपनी लीडरशिप पे, अपनी बिहेवियर पे, अपनी प्रोडक्टिविटी पे, अपनी क्वालिटी पे, जब इन सारी चीजों पे आप लगातार फोकस करते हैं, लगातार पंच मारते हैं, तो ऑटोमेटिक एक दिन होता है कि आपकी क्वालिटी, आपका जो रिजल्ट होता है ऑटोमेटिक आ जाता है। जब हम दीवार में लगातार मार रहे होते हैं, पंच मारते हैं, तो हमें रिजल्ट की दिक्कत नहीं होती, हमारे हाथ ऑटोमेटिक इतना मजबूत हो जाते हैं कि हम किसी को भी मार दें तो वो गिरा जाए। तो आपको सबसे पहले क्या चीज ध्यान देना है, हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, अपने काम पे फोकस करना है। तो साथियों, मैं फिर से दोहरा देता हूं, पहला चीज आपको ध्यान रखना है सीखना, हर पल, हर टाइम, हर तरीके से आपको दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, सीखना। और दूसरी चीजें आपको डुप्लीकेशन मास्टर कॉपी तैयार करना है। तीसरी चीजें आपको अब रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, बल्कि काम पे फोकस करना है। इन तीनों फार्मूलों को जिसके अंदर होगा दम फॉलो करने का, वही बनेगा बाजीराव सिंघम।